हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे, कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक नया ग्लिम्स के बारे में। और ये जो ग्लिम्स है ये बहुत अपने आप में खुशी देता है, तो चलिए बात करते हैं इस ग्लिम्स के बारे में। तो बात करते हैं आज के रिव्यू के बारे में। आज का रिव्यू है रिचर्ड एंटनी के बारे में। रिचर्ड एंटनी एक कन्नड़ा मूवी होने वाली, और मैं अंदर से बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि एक टैलेंटेड इंसान को अच्छा मौका मिला, और वो भी हमारे टेलीविजन के अंडर में। तो बात करें रिचर्ड एंटनी के बारे में, तो रिचर्ड एंटनी एक सी के ऊपर एक मूवी होने वाली है, और जिसमें हमको लीड रोल में दिखेंगे रक्षित शेट्टी। बहुत दिनों बाद, मतलब जैसे बोलते हैं कि मैं सोचा था, रक्षित शेट्टी एक डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। इससे पहले उनका एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण जब आया था तो हिंदी में पैन इंडिया रिलीज हुआ था। अब सच बताऊँ यार, मतलब इतना डिसअपॉइंटेड था मैं कि उसका स्टोरी इतना बढ़िया था, मैं देखने गया था, लेकिन मतलब क्या बोले अभी, मतलब इतना पार्शियलिटी करके उसको मतलब नॉर्थ इंडिया में रिलीज नहीं किया गया, और स्क्रीन्स ही नहीं मिले थे उसको टोटल। इतना मतलब पार्शियलिटी करके, स्क्रीन्स वगैरह को डिवाइड करके, मतलब टैलेंट का कोई कदर ही नहीं था। और फाइनली यहाँ तो कन्नड़ा इंडस्ट्री या फिर साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने नहीं देंगे वो लोग। क्योंकि वो लोग जो भी मीडियम या छोटे स्टार्स होते हैं, कहा गया कि हाँ बंदे में टैलेंट है और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो फाइनली रिचर्ड एंटनी का एक ग्लिम्स टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स जारी किया गया, और कल आया था ये ग्लिम्स। तो जैसे कि ट्रेंडिंग में है अभी, टॉप 45 ट्रेंडिंग में है, और अच्छे लाइक्स और व्यूज़ भी बट हो रहा है। तो काफ़ी खुशी की मौका है, क्योंकि एएसएन जब आया था उससे पहले भी एक मूवी आया था, उसका भी कुछ मतलब एएसएन तो बहुत दिन हो गया है, उसका स्टोरी बहुत ही बढ़िया था और उसको स्क्रीन तब नहीं मिला था नॉर्थ इंडिया में। तेलुगु तमिल स्टेट्स में ये रिलीज़ हुआ था एएसएन, अब शायद ऑनलाइन में वो अवेलेबल हो गया होगा। एएसएन को एक साल हो गया है, अब जाके देख लेना कैसा राइटिंग और स्टोरी प्ले था। अभी चार्ली चार्ली 777 का भी वैसा ही है, मतलब उनका अच्छा अच्छा स्टोरी वगैरह राइटिंग, तो टैलेंटेड लोगों को चांस मिलना चाहिए, और वो तीनों एक ही साथ में करते हैं तो देखने में मज़ा आता है कि डायरेक्शन भी वही कर रहे हैं और साथ में राइटिंग स्क्रीन प्ले वगैरह देख रहे हैं, उसके बाद एक्टिंग भी वो खुद कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था, और मुझे पर्सनली वो टीज़र, ये जो ग्लिम्स आया है, ये अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।